आपको उनका इलाज भी बताते हैं। और आज डॉक्टर लाइव में हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। कैंसर के मरीज जल्दी ठीक नहीं होते, ये हमें लगता है ऐसा, क्योंकि इसके लक्षण देर से पता चलते हैं। कैंसर कई तरह के होते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, स्तन कैंसर, गले का कैंसर। अगर कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान की जाए तो इसे खतरनाक स्टेज तक पहुँचने से पहले हम रोक सकते हैं। जी हाँ, अगर हम इसे पहले ही इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स पहचान लें तो इसे खतरनाक स्टेज पर पहुंचने से पहले रोका जा सकता है। शुरुआती अवस्था में पहचान होने के बाद इसके उपचार में आसानी भी हो सकती है, और इसके कारण जो डेथ रेट है, जो मौतों के कारण है या जो मौतें हो रही हैं, उसे भी रोका जा सकता है। कैंसर के लक्षणों की अगर हम बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या कैंसर के लक्षण हैं। अलग अलग लक्षण हैं कैंसर के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लक्षणों को आपको समझना होगा, इन सिम्टम्स को आपको समझना होगा। जब आप इन लक्षणों को समझ पाएंगे तभी इलाज कर पाएंगे, और कैंसर का जितनी जल्दी इलाज हो पाए उतना सटीक इलाज हो पाता है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर पहली या दूसरी स्टेज में आपको पता चल जाए कैंसर है और आपको सही समय पर इलाज मिल जाए तो 95% यानी कि 95% से ज़्यादा मरीज जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो एक जो डर हमारे समाज में बना हुआ है कैंसर का, वो डर कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है, लेकिन लक्षण पहचानने होंगे। कैंसर के लक्षण क्या है, लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैंसर कई तरीके का होता है, ब्लड कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, स्किन कैंसर है, अलग अलग कैंसर्स इस वक्त हमारे आसपास भी हैं। स्तन कैंसर है, महिलाओं की अगर बात करें, भारतीय महिलाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर या फिर एक बच्चेदानी का कैंसर जो है महिलाओं में सबसे ज़्यादा इस वक्त पनप रहा है। उसके क्या कारण है, किस तरह से उससे बच सकते हैं, आज उस कार्यक्रम में हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ज़रूरत है आप लोगों की जागरूकता की। आप लोगों को भी कॉल्स करने हैं, 011-421-421 हमारा नंबर है, 011-4321-4321 हमारा नंबर है, हमें कॉल कीजिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर, आप इस पूरी बीमारी को लेकर जान सकते हैं। खुद हमारे साथ डॉक्टर साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद होंगे, आप जान सकते हैं कि किस तरह से आप इस बीमारी से लड़ेंगे और क्या इसके लक्षण है, सब कुछ आप जान सकते हैं। तो हमें कॉल आपको जरूर करना है। अगर हम बात करें कैंसर की तो बहुत सारे इसके लक्षण है, बहुत तरह का कैंसर है, लेकिन क्या है, कैसे है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, सब कुछ जानेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशांत मित्तल हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि आखिरकार कैंसर है क्या, क्योंकि लोग डरते हैं कैंसर के नाम से। कई लोग तो कहते हैं नाम मत लो, ये बीमारी लग जाएगी, तो कैंसर है क्या? अगर मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूं एक लेमैन टर्म में कि कैंसर क्या है, जी हमारी बॉडी के अंदर डेली, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 सेल्स रेगुलरली बनते हैं, 100 सेल्स मरते हैं, बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है 100 सेल्स नए की, तो नए 100 सेल्स बन जाते हैं, 101वां सेल नहीं बनता क्योंकि बॉडी एक सिग्नल देती है कि 100 सेल की मेरे को रिक्वायरमेंट थी, 100 सेल बन गए हैं और सेल्स मत बनाइए। ये हमारे चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे ब्रेन में हो, चाहे लंग्स में हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर में हो, हर जगह सेल्स बनते रहते हैं, मरते रहते हैं, बनते रहते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश ये सेल्स बनना रुके नहीं, 100 की जगह 150 जाए, 150 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, जिसको बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन सेल्स को कैंसर कहा जाता है। तो ये चाहे ब्रेन में हो, ब्रेन के सेल्स में एक्स्ट्रा सेल्स जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे ब्रेस्ट में हो, कहीं पे भी एक्स्ट्रा सेल्स जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं और धीरे धीरे फैलते चले जाते हैं। कैंसर को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। आप लोग के दिमाग में अगर कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हैं कैंसर को लेकर, तो 011-4321-4321 हमारा नंबर है, 011-4321-4321 हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए और जरूर जानिए इस बीमारी के बारे में। क्योंकि अगर आप जागरूक हैं अपने शरीर के बारे में, अगर आपको पता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं, तो आप जल्दी किसी बीमारी को, कैंसर ही नहीं, आप किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है, इलाज यकीनन है इंडिया में, लेकिन आपको उसे जल्दी पहचानना होगा, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। तो डरना है, ठीक है, डरना एक अलग चीज है, वो हमारे फितरत में कह सकते हैं, हम इंसान है, लेकिन उससे पहले हमें उसके प्रिकॉशंस लेने होंगे। जब हम उसके प्रिकॉशंस लेंगे तो वो डर भी सही साबित होगा। अब मिथ्स की बात की जाए सबसे पहले, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग कैंसर का नाम लेने से डरते हैं, और ये सच्चाई है। हमारे आसपास के लोग भी अगर कैंसर का नाम हम लें
तो रोक दिया जाता है कि इतनी गंदी बीमारी, इसका नाम मतलब तुम्हारे में भी आ जाएगी। तो आप डॉक्टर हैं, आपके पास मरीज बहुत सारे आते होंगे, कुछ ऐसे मिथ्स जिनसे आपको एक्चुअली लोगों का वैसे भी फिजिकली भी इलाज करना पड़ता है, मानसिक तौर पर भी आपको उन्हें कुछ चीज़ें समझानी पड़ती हैं। सबसे बड़ी मिथ तो ये कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस है, ऐसा नहीं है। कैंसर के फील्ड में इतनी तरक्की हो रही है आज की डेट में कि आप माने तो हर हफ्ते कम से कम दो दो नई दवाइयाँ आ रही हैं। हमें ही अपडेट रहने में मुश्किल हो जाता है कि इतनी सारी दवाइयाँ आ रही हैं। तो इतनी रिसर्च चल रही है। पिछले 10 सालों में कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत परिवर्तन आया है। जो पहले जिन बीमारियों को हम कहते थे कि ठीक नहीं हो सकती, अब उनके अंदर इलाज मुमकिन है और इलाज करके पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि इट इज़ नॉट ए डेथ सेंटेंस। सेकेंड, लोग बायोप्सी करवाने से डरते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब बायोप्सी ना करिए, हम उनको ऐसा लगता है कि सोते हुए शेर को जगा दिया है, बीमारी और फैल जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है फिर तो बायोप्सी बंद ही कर दी जाए, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं बायोप्सी का। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई कुछ नहीं होता कि सोते हुए शेर को जगा दिया जाए। लोग कहते हैं कि आप हमें सिर्फ सीटी स्कैन देख के या पेट स्कैन देख के या ब्लड रिपोर्ट देख के बता दीजिए। सीटी स्कैन पेट स्कैन बेसिकली एक तरीके की फोटोग्राफ है, जो कि एक फोटोग्राफ यही बताती है कि दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो कान है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनको लेते हैं। सुमन हमारे साथ जींद से जुड़ी हैं। सुमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सुमन जी अपना सवाल पूछिए। जी सर, सुमन जी आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरे हस्बैंड के कभी कभी गले में खून होता है, तो वो वहाँ डॉक्टर के दाने से कतराते हैं, ये कहते हैं कि कभी डॉक्टर कैंसर नाम का दे। किस चीज में ब्लड आता है उनके? मतलब कभी कभी खांसी में, गले में, जैसे थूक वगैरह, बलगम वगैरह आता है। खांसी में खून आता है कई बार। क्या वो स्मोकिंग करते हैं? नो सर, कभी नहीं। करते हैं? नहीं करते सर, कभी भी नहीं करते। तो खांसी में खून आने का मतलब ये नहीं कि उनको कैंसर ही होगा, हो सकता है उनको कोई ट्यूबरकुलोसिस जैसी शिकायत भी हो। तो डॉक्टर के पास जाने से उनका इलाज ही होगा। तूफान आ रहा है और आप तूफान की तरफ पीट करके खड़े हो जा रही हो, सोचेंगे तूफान नहीं आ रहा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप उसकी जांच कराइए, जरूरी नहीं कि ये कैंसर ही हो, हो सकता है टीबी भी हो सकता है कि ये कैंसर भी हो। लेकिन अगर अर्ली स्टेज के अंदर आप जाके इलाज कराएंगे तो इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से मुमकिन है और ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन डर के बैठे रहेंगे घर में तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उस बात से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, आपका मिथ्स जिसे कह सकते हैं उन्हीं में से एक था। एक और दर्शक इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं, विमला जी जुड़ी है। विमला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी सर, मैं ये त्वचा के कैंसर के बारे में जानना चाहती हूँ, जैसे क्या लक्षण है। किस कैंसर के बारे में जानना चाहती हैं आप? त्वचा के कोई खुजली वगैरह होती है तो क्या कारण, क्या कैंसर का? त्वचा का कैंसर इंडिया के अंदर बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और जो सी साइड कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। लेकिन फिर भी जो त्वचा कैंसर के लक्षण होते हैं उसके अंदर होता है कि कोई दाग धब्बा पड़ जाए जो कि बेरंगी हो और चितकबरा हो, उसका साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से मान लो हाथ में है तो बगल में कोई गांठ आ गई हो, या पाँव में है तो जांघों में कोई गांठ महसूस हो रही हो, उस वजह से वो एक स्किन का कैंसर हो सकता है। उसकी जांच करानी चाहिए, लेकिन इंडिया में स्किन कैंसर बहुत ही कम रेट पे होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिमला जी कॉल करने के लिए। चंडीगढ़ से नफे सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। नफे सिंह जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं नफे सिंह जी। ये गांठ है जी नीचे, इसके गले के नीचे जी, जबाड़े के नीचे जी, जबाड़े वाली हड्डी नहीं जी निचली जी। नफे सिंह जी आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, एक बार आप अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए। अच्छा जी, सभी दर्शकों से अपील है आप जब भी हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखें। जी सवाल पूछिए। ये गले के नीचे है जी, जो तरली हड्डी है जी गले की, जबाड़े की जी, ये कब से आपको कर दीजिए आवाज? कब से है ये गांठ? ये 7-8 दिन हो गए जी। तंबाकू खाते हैं?
हुक्का पी लेते हैं जी, थोड़ा सा शराब तो पीते नहीं, हुक्का पी लेते हैं जी। दर्द है इसमें? नहीं, दर्द बंद हो गया जी, पहले दर्द था, दवाई लिखी थी जी डॉक्टर ने, टेस्ट कराया था भाई, अगर ना भी दबाइए फिर ये टेस्ट करवाने आपने। हाँ, तो आप मेरे ख्याल से 7-8 दिन और हफ्ता दो हफ्ता रुक के देख लीजिए, दवाइयाँ अपने डॉक्टर साहब की ले लीजिए, अगर उससे दबती नहीं है तो फिर इसकी सुई की जांच, जिसको एफएनएसी या बायोप्सी कहते हैं, उसको करानी पड़ेगा, और मुंह की जांच करानी पड़ेगी कि मुंह में कोई छाला तो नहीं है। चलिए नफे सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जांच आपको करानी पड़ेगी और जांच सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसार से किशन हमारे साथ जुड़ गए। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, जी पूछिए। मेरी लड़की है जी, 25 वर्ष की उम्र है जी, पेट में पानी है जी, उसका डॉक्टर ने कहा कि भाई ये पानी सूखेगा तो फिर गांठ का ऑपरेशन होगा, तो पानी नहीं सूख रहा है जी उसका, और पेट बहुत बड़ा हो गया है जी। अब उनका कोई जांच हुई है, पानी की जांच या कोई ब्लड टेस्ट हुए हैं? हुआ है जी। उसके अंदर कुछ पॉजिटिव आया है? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये पहले चने जितनी थी और अब ये बॉल जितनी बड़ी हो गई है, और पानी है जी शुगर के पेट में। अगर पानी 2-2.5 हफ्ते से ज्यादा है और सूख नहीं रहा है तो उसकी आप जांच कराइए। कराया जी, इधर आधार हॉस्पिटल है जी हिसार में, वहां करवाया था। हाँ, वो कह रहे हैं भाई ये पानी सूखेगा तभी इसका ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो उन्होंने बोला ये कैंसर है? मेरे को तो नहीं बताया उन्होंने, बाकी लग रहा है जी हमारे को तो कैंसर ही है वो, मैं थोड़ा सा मेरे को नहीं बताया फिर उन्होंने। ठीक है, कैंसर हो सकती है, उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है जी। आप ऐसा कीजिए, नजदीकी कोई भी कैंसर हॉस्पिटल में जाके एक बार जांच करवा लीजिए। यूजली 25 साल की लड़कियों में कैंसर होने की संभावना कम होती है, ना नहीं होती, कम होती है, लेकिन अगर किसी ने शक डाला है तो उसको यकीन में बदलवाने के लिए आगे की एडवांस जांचें करवा के कंफर्म करवा लीजिए, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर कैंसर की वजह से पानी है तो पानी सूखने का इंतजार मत कीजिए, पानी सूखेगा नहीं बिना इलाज के। तो नफे सिंह जी, आप नजदीकी जो कैंसर हॉस्पिटल है जरूर जाएं, वहां पर इलाज करवाएं, लेकिन 25 साल की लड़की को जिस तरह से खुद डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत कम चांसेस हैं कि ये जो बीमारी है कैंसर की बीमारी है। अगर आप भी कैंसर को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आपके मन में है, या आप किसी की मदद करना चाहते हैं, हमारे आस पड़ोस में किसी को अगर ये बीमारी, आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा हमें। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर लाइव में, आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, कैंसर क्या है, किस तरह से ठीक किया जा सकता है, कैंसर को लेकर क्या क्या मिथ्स हैं, कैंसर पेशेंट्स के साथ हमें क्या कुछ करना चाहिए, कैसा बिहेव रखना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात कर रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सुशांत मित्तल है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं कैंसर को लेकर, या आपके आसपास कोई मरीज है जिसकी आप मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन जरूर कीजिए। आपका एक फोन कॉल किसी की जिंदगी बचा सकता है। 011-4321-4321 हमारा नंबर है, 011-4321-4321 हमारा नंबर है। कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप बता रहे हो कि बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लोग ठीक ज़्यादा हो रहे हैं, एक परसेंटेज जो था वह बढ़ गया है लोगों के ठीक होने का, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बात आती है कि अगर आपके अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए तो ज़्यादा चांसेस हैं। स्टेजेस क्या हैं, कितनी हैं, कैसे डिटेक्ट करें? ज़्यादातर हर एक कैंसर की 4 स्टेजेस होती, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। और जाहिर सी बात है, जितनी अर्ली स्टेज में बीमारी पकड़ में आएगी उतना ज़्यादा अच्छा उसका इलाज हो सकता है, और उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि बीमारी वापस नहीं आएगी। स्टेज 1 के अंदर जो कैंसर होता है वो सिर्फ उसी ऑर्गन तक सीमित होता है। मान लीजिए अगर मैं स्तन कैंसर की बात करूँ तो स्टेज 1 के अंदर वो स्तन तक ही सीमित है। स्टेज 2 के अंदर वो थोड़े साइज में बढ़ जाता है। स्टेज 3 के अंदर वो काक में आ जाता है, काक की गांठ में आ जाता है। और स्टेज 4 में जब वो किसी और ऑर्गन में चला जाए, जैसे कि लंग्स, बोन्स, लिवर, ब्रेन, तो वो स्टेज 4 में आ जाते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कैथल से रेनू हमारे साथ जुड़ी हैं। रेनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, मेरे हस्बैंड हैं, उनको गले के नीचे गांठ थी,
और उस गांठ की हमने एफएनसी करवा के वो मुंबई भेजी थी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से, तो उस गांठ में कुछ नहीं आया, वहां से रिपोर्ट आई। तो अब उसमें ना डॉक्टर ने बताया कि जो उसके आसपास एरिया था उसमें कीटाणु बन चुके हैं कैंसर के, उनका कीमो का इलाज चल रहा है, तो वो ठीक हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि एफएनसी में कुछ आया नहीं ना? नहीं, गांठ की जो एफएनसी थी उसमें कुछ नहीं आया। तो प्रूव कैसे किया कि कैंसर है? उनके आसपास जो मतलब एरिया बताया ना उन्होंने, उन्होंने बताया कि उसमें कीटाणु पैदा हो चुके हैं, उन कीटाणुओं की वजह से गांठ बनी है। ओके, तो जिस हिसाब से मुंह का कैंसर लग रहा है मुझे, मुंह का कैंसर और गांठों में आ गया, तो स्टेज थ्री में उनकी बीमारी है, तो इनके कीमो और रेडिएशन मोस्ट प्रॉब्ली इलाज चल रहा होगा उनका, तो उससे उनको 60-70% चांस है कि वो ठीक हो जाएंगे पूरी तरह। अगर आप नियमित रूप से जैसा जैसा आपके डॉक्टर साहब आपको बताएं आप वैसा करेंगे, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, उनकी बीमारी जड़ से हट सकती है। चले रेनू जी, हम भी दुआ करेंगे कि आपके जो हस्बैंड हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। 60-70% तक चांसेस हैं कि वो पूरे ठीक हो जाएंगे। ओम प्रकाश रतिया से हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में, आप अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे बगल के अंदर गांठ है, दोनों के अंदर छोटी छोटी बगल में। हाँ जी। कब से है सर आपको? वो 3 महीनों से है लगभग, मैंने एंटीबायोटिक्स कुछ टेबलेट ली उससे ठीक हो गई, पर ये दर्द पेन है अभी उसमें और गांठ है, तो दोनों में ठीक नहीं, पूरी तरह ठीक नहीं हुई। शरीर के किसी और हिस्से में भी गांठ है आपको? गर्दन में? आपके अंदर है। गर्दन और जांघों में? नहीं सर। कोई वजन कम हो रहा हो, बुखार आ रहा हो आपको? नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं सर, बस गांठ है 3 महीनों से दोनों काख के अंदर, दोनों बगल के अंदर। मेरे ख्याल से फिर आप एक बार उसकी जांच करवा लीजिए, अगर वो दर्द नहीं दे रही फिर भी आप उसकी, आपको उसको जांच करवा लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर साहब को दिखा के उसकी एक प्रॉपर तरीके से जांच करवाना बेहतर रहेगा। FNAC या फिर बायोप्सी होती है जिससे पता लग सकता है कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है उस बगल के अंदर, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टीबी का इन्फेक्शन है या कैंसर का इन्फेक्शन है, वो उससे पता लग सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी फोन करने के लिए। तो सवाल कई सारे हैं, अगर आप भी उनमें से कुछ सवाल जानना चाहते हैं तो नंबर वही है 01143214321 01143214321 हमारा नंबर है। स्टेजेस की हम बात कर रहे थे, आजकल एक नई दवाई भी आई है, अगर इंडिया की हम बात करें गार्डासिल की हम बात कर रहे हैं, 3 इसके डोजेज होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ये कितनी इफेक्टिव है और इंडिया में अभी कितनी फेमस है? गार्डासिल एक किस्म की वैक्सीनेशन है, जैसे हम बचपन में वैक्सीन लगाते हैं टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन, बच्चों को BCG की, पोलियो की, DPT की लगाते हैं, उसी प्रकार से बच्चेदानी का मुंह जिसको कहा जाता है सर्विक्स, उसके कैंसर की रोकथाम के लिए हम ये गार्डासिल वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ये सर्विक्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम ये वैक्सीन लगाते हैं, इससे हमें काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है। कहा जाता है कि 95-99% चांसेस हैं कि कैंसर नहीं होगा, लेकिन 100% नहीं होता ये, लेकिन हमारे पास इस टाइम ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसको यूज़ करा जाए। अभी ये धीरे धीरे और प्रमोशन में आ रहा है, फेमस हो रहा है, तो मेरे हिसाब से 9 साल से 26 साल के लड़कियों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए यहाँ पर, आपने हर सवाल का जवाब जो दिया, लेकिन अगर एक एंड में मैं आपको कहूँ कि एक गोल्डन टिप आप क्या देना चाहेंगे मरीजों को या उनके परिवार वालों को? मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, तो एक मिथ जो कि लोगों को दूर करती है ट्रीटमेंट से, वो है कि ब्रेस्ट कैंसर में पेन नहीं होता, ब्रेस्ट कैंसर की गांठ में पेन नहीं होता। लोग शर्मा शर्मी में बताते नहीं हैं, माताएं अपने बच्चों को नहीं बताती, वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को नहीं बताती, ये सोच के कि दर्द होगा तो वो कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट दर्द होता है तो वो कैंसर नहीं होता, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि ब्रेस्ट कैंसर के इनिशियल स्टेजेस में गांठ में कभी भी दर्द नहीं होता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया। फिलहाल डॉक्टर लाइव में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।